आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट, जिसका नंबर है 15 यानी कि 15 और डेट है हमारी 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आपको याद ही है हम भिन्न के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और उसी संबंध में आज आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे किसे उचित भिन्न कहा जाता है और किसे विषम भिन्न कहते हैं और किसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो शुरू करते हैं। जब आप सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, इसमें लिखा है 2/3 और 1/9। अगर हम इसे ठीक से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि 2/3 का मतलब है कि एक चीज के तीन हिस्से किए गए और उसमें से दो लेने हैं। 2/3 का अर्थ है तीन में से दो हिस्से लेना। और इसी तरह से 1/9, 1/9 का मतलब है कि एक चीज के नौ हिस्से किए गए उसमें से एक आपको लेना है। तो इसका अभिप्राय भी आपको पता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न की एक खास पहचान ये होती है कि इसमें अंश यानी कि ऊपर वाला हमेशा छोटा होता है और हर नीचे वाला हमेशा बड़ा होता है। जैसे 5/8 में 5 छोटा है, 8 बड़ा है। 7/9 में 7 छोटा है, 9 बड़ा है। 8/11 में 8 छोटा है और 11 बड़ा है। तो ऐसी भिन्न हमेशा उचित भिन्न कहलाती है। ये उचित है। लेकिन अगर मान के चलो आपको दिया हो 3/2, तब अब सोचकर देखिए, ये तो अजीब बात हो गई कि दो हिस्से में से तीन कैसे ले। 3/2, हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, 2/3, तीन में से दो ले लीजिए। अब 3/2 है तो तीन में से दो हिस्से लेना, ये तो इसका अभिप्राय नहीं हो सकता। तो अब इसका मतलब क्या है कि दो में से तीन ले लें, तो दो में से तीन तो लिए नहीं जा सकते, तो क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में जब भिन्न होता है तो उसे कहते हैं विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसे हम विषम भिन्न कहते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि हर अगर छोटा है और अंश बड़ा है तो वो विषम भिन्न होगा। तो अब देखिए, ये कुछ और उदाहरण भी दिए हैं, 3/2, 8/5, 9/7, ये सभी विषम भिन्न के उदाहरण हैं। दो भिन्न आपको समझ में आ गए, उचित भिन्न जिसमें ऊपर वाला छोटा है, अंश छोटा है, हर यानी कि नीचे वाला बड़ा है। और हमने पढ़ी दूसरी विषम भिन्न, जिसमें ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा, यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, मिश्रित भिन्न। हम किस भिन्न को मिश्रित भिन्न बोलते हैं? एक सवाल पूछा गया है हमसे, सीमा, रीमा, राहुल के पास 4 सेब हैं। वे चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। अब आपको बताना ये है कि अगर 4 सेब हैं और 3 बच्चे हैं और उन्हें बराबर बांटना है तो वो कैसे बांटेंगे? भी सीधी सी बात है, 4 सेब हैं तो एक एक सेब तो तीनों को पूरा मिल जाएगा और बच गया एक चौथा सेब, चौथे के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। इसका मतलब सीमा को मिलेगा 1 पूरा सेब और 1/3 सेब, रीमा को भी 1/1 सेब पूरा और 1/3, 1/1 सेब पूरा, राहुल को भी मिलेगा और 1/3 और मिलेगा। तो इस तरह की भिन्न जो होती है जिसमें लिखा है 1 सही 1/3, यानी 1 पूरा का पूरा और 1/3, तो इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 1 सही 1/3। अगर यहाँ लिखा होता, नीचे देखिए, ये वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पे लिखा है ये जिसे मैंने गोला किया, इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2 सही 1/9। इसका मतलब 2 पूरे के पूरे मिल गए और 1/9 और मिलेगा। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं भिन्न की। तो जो भिन्न इस तरीके से लिखी होती है उसे कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। आपको याद रखना है, जो भिन्न इस तरह से लिखी होती है जिसमें 1 पूरा 2 पूरा और बाकी साथ में कुछ और भी लिखा है, वो मिश्रित भिन्न होती है। तो अब हम जान चुके हैं 3 तरह की भिन्न के बारे में, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मिश्रित भिन्न है तो उसे विषम भिन्न में बदला जा सकता है। तो कैसे बदलते हैं? इसको बदलने का एक आसान सा तरीका होता है। उदाहरण यहाँ दिया गया है 2 सही 1/9। तो इसमें क्या करते हैं, जो 2 है उसको हर से गुणा करके अंश से जमा कर देंगे। तो हर कौन है? 9 हर है, तो 2 × 9 और अंश यानी कि 1 में जमा कर देंगे। तो 2 × 9 = 1 करेंगे और जो आएगा उसमें जो बट्टे में था वो लिख देंगे, यानी हर जो भी था उसको लिख देंगे। तो हर 9 है, वापिस 9 का 9 लिख दिया और ऊपर वाले को 9 × 18, 18 में 1 जमा किया 19, तो ये आ गया 19/9। क्या बन गया? विषम भिन्न बन गई है।
एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, जो सही है सही में दिया गया है, दो दिया गया है, दो को हर से यानी कि नौ से गुणा करेंगे, ऊपर वाला अंश यानी कि एक से जमा कर देंगे, तो नौ दुनी अठारह जमा में एक यानी कि उन्नीस, और जो हर था उसे वापस हर की जगह पर ही लिखेंगे नौ, तो ये बन गया विषम भिन्न। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमने क्या सीखा। निम्न में से पहचानना है और उन्हें गोला करना है, तो किसे पहचानना है, उचित भिन्न को। उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो गोला कर देते हैं, छह बटा सात, उसके बाद आठ बटा नौ, ग्यारह बटा पांच तो नहीं है क्योंकि ग्यारह बड़ा है यानी कि अंश बड़ा हो गया, ये नहीं है, फिर चार बटा नौ है, तीन बटा पांच है, पांच बटा सात है, और नौ बटा पांच भी नहीं है, तो इन्हें कर देते हैं गोले, कर दिए। अब दूसरा, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, तो हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, तो हमने वो अभी भी सीखा था, तो दो की गुणा तीन से करेंगे और जमा कर देंगे, एक बट्टे में लिख देंगे तीन, तो दो तीया छह जमा एक यानी हो गया सात बट्टा में तीन, फिर दूसरा सात को नौ से गुणा करके दो जमा कर देंगे, तो सात तीन तिरसठ जमा दो यानी कि पैंसठ बट्टे में नौ, ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसे समझने में मदद मिली होगी और आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, आपको होमवर्क करने में भी इससे मदद मिलेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकें, तो पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से सुना करें, क्योंकि बीच में से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने चैप्टर्स को अच्छे से किया है, जो इन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।